For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum, डॉक्टर आस्था इकबाल हूँ और आज आपसे एक कीड़े के बारे में बात करना चाह रही हूँ। कीड़ा? दिमाग का कीड़ा नहीं, दांतों का कीड़ा। क्या वाकई ये कीड़ा होता है? नहीं यार, दांतों में कीड़ा नहीं, कोई रीगता हुआ कीड़ा नहीं जाता, बल्कि एक ये केमिकल प्रोसेस है जब हम दांतों की सफाई नहीं कर पाते और मीठी मिठास वाली खुराक, चिपकने वाली खुराक अगर दांतों की सतह पे चिपकी रहे कुछ घंटों के लिए और रोजाना ये अमल होता रहे तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस खुराक को डिके करते हैं और उस पे उसे अपना वो खाना लेते हैं और तेजाबियत पैदा करते हैं और ये तेजाबियत आपके दांतों को जो कि हड्डी की नुमा सख्त है आहिस्ता आहिस्ता खून या जंग की तरह खा दो। सो कीड़ा जो है वो कीड़ा नहीं है बल्कि एक दांतों की बीमारी है। सबसे ज्यादा लोग इसी बीमारी से असरअंदाज हैं। जमाने की तरक्की के साथ इसमें कमी आई है या ज्यादती आई है? इसमें ज्यादती आई है क्योंकि हम लोग की खुराक का जो पैटर्न है वो बदल गया है। हम लोग ज्यादातर रिफाइंड फूड की तरफ चले गए, जंक फूड की तरफ चले गए। अगर आपकी फाइबरस फूड हो तो उन लोगों में कैलोरीज कम होती है। अब आते हैं हम लोग उम्र के हिसाब, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में कीड़ा कैसे लगता है। माएँ आती हैं वो कहती हैं कि हमारे दूध पीते हुए बच्चे हैं दो तीन चार साल की उम्र में उनके सामने के दूध के दांतों में कीड़ा लग गया और सारों में लग गया। पहली बात है कि बच्चों को फीडर नहीं देना चाहिए, मदर फीड देनी चाहिए और दो साल की उम्र के बाद फीडर को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें दूध इस उम्र तक देते भी हैं तो दूध में मजीद चीनी मत शामिल करें, मिठास मत डालें क्योंकि वो जो मिठास बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है उसके सारे दांतों में एकदम से इकट्ठे सब दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो बेहतर होगा, मेरी गुजारिश होगी बच्चों की माँ से कि दूध में चीनी वाला ना दें और इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों के मुंह में अगर वो उंगली नहीं अभी कर सकते तो उंगली से उनके मुंह की सफाई, पानी में उनके मुंह में पानी डालें और अपनी उंगली से उसकी सफाई करें। और सोते वक्त जरा से जो बड़े बच्चे हैं उनको सोते वक्त आप मीठी टॉफियां या चॉकलेट मत दें ताकि वो चिपके ना रहे और दांतों पे कीड़ा ना। दांतों पे चबाने वाली सतह पे कीड़ा ज्यादातर टीनेजर में या 20 से 30 साल की उम्र तक जाहिर होता है। अब वो इस उम्र में इसलिए जाहिर होता है कि ये सालों साल का प्रोसेस होता है। दांतों छोटा सा एक पॉइंट बनता है, वो ऐसा ऐसा फैलता चला जाता है और नीचे हमें पता ही नहीं चलता और जब दांत अंदर से खाया जाता है घुन की तरह वो टूट जाता है, कैविटी हो जाती है तो तब मरीज आता है कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया। और अक्सर ये देखा गया है कि वो जो इतनी एडवांस कैरीज हुआ का प्रोसेस हुआ होता है तो उसकी सादा फीलिंग नहीं हो सकती, वो जो है फिर शदीद दर्द की सूरत में ही हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उस वक्त इलाज जो है जरा पेचीदा ही करना पड़ता है, इसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब आते हैं बड़ी उम्र के लोग, मेरे पास अक्सर बुजुर्ग हजरात आते हैं और उनकी बात बिल्कुल बजा होती है कि बचपन में तो उनके दांतों में कोई कीड़ा नहीं लगा लेकिन अब बड़ी उम्र में आके उनके दांत कीड़े की वजह से टूटना शुरू हुए। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला। वो इसलिए पता नहीं चला कि उनके दांतों में जो खला पैदा हो जाता है एजी की वजह से या मसूड़ों की बीमारी की वजह से उसमें खाना पसना शुरू करता है। जब वो खाना साफ नहीं हो पाता तो उसमें फिर कीड़ा लगने का अमल शुरू हो जाता है और फिर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद वो दांत अंदर से मुकम्मल खाया जाता है और वो टूट जाता है और वो हमारे बुजुर्ग हजरात उसको परेशान हो रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक आप ब्रश करें, इसके अलावा मिसवाक या डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश या वाटर इरिगेशन डिवाइस,
ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपकी मुंह की सफाई के लिए आपको चाहिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक। इसके लिए आप अब आपको क्या चाहिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप 6 महीने के बाद एक डेंटल सर्जन को जाके मिले। चले हमारे हम महदूद ज़राए वाली फॉर्म है तो 6 महीने नहीं तो साल 2 साल बाद तो जाया जा सकता है और उनसे राय ली जा सकती है कि आपको दांतों की सफाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में अगर आप मेरे से मज़ीद कोई राय जानना चाहते हो तो आप मैडम के फॉर्म पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन या अगर आप मेरे तक आ सकते हैं मेरे क्लिनिक तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैडम के प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप खुश रहिए हंसते मुस्कराते रहिए अपनी मुस्कुराहट का ख्याल रखिए और जो मुस्कुराहट ही सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है जिंदगी खुश रहिए।